यूनिवर्सिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दुनिया में है, देश में है, बहुत है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक यूनिक करैक्टर है, उस यूनिक करैक्टर में यहां के जो तलबा की जो परवरिश होती है, उनकी उस परवरिश में इस स्टाफ का जो आज यहां धरने पर बैठा है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। एएमयू का स्टूडेंट भले ही नहीं रहा कभी, लेकिन मेरा एएमयू से रिश्ता बहुत करीब का रहा। मैं यहां की नफ्स को समझता और आज आप लोगों को जो मैं तो कहूंगा कि देश की बुनियाद, देश को डेवलपमेंट के ऊपर ले जाने में जिस बिल्डिंग में, जो बड़े बड़े शहरों में एयर कंडीशन बड़ी बड़ी इमारतों में लोग रहते हैं, उन इमारतों में असलियत में खून पसीना जो होता है वो उस मजदूर का होता है, उस फोर्थ क्लास एम्प्लॉय का होता है। उसके दर्द को हम महसूस नहीं करते। अभी हमारे यहाँ हम जिस ऐवान के मेंबर हैं, वहां भी नई बिल्डिंग बनी, नया पार्लियामेंट बना, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी का खून पसीना असलियत में लगा है तो वो उन मजदूरों का है जिन्होंने रात दिन रह करके वहां काम किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार जाकर के उन मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाए। मैं अलीगढ़ की इस धरती से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी ये आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो एएमयू के जो टेम्पररी एडहॉक डेली वेजर्स है, इनके दर्द को भी आप सुनने का काम करें। और एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में जो कोर्ट की वैकेंसीज है, ईसी की वैकेंसीज है, उनको भरा जाए और परमानेंट वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाए। ये सारी दिक्कत आज आ रही है। इस सारी दिक्कत के पीछे मैं समझता हूं कि असलियत में वजह वही रही कि यूनिवर्सिटी को पिछले दो साल से जो परमानेंट वाइस चांसलर नहीं मिला, अब वो बोल
آج کی ڈیٹ سے رولنگ میں ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد یونیورسٹی کو ایک پرمننٹ وائس چانسلر ملے گا, اور وہ پھر جو سر سید کا اصلی مقصد تھا اس ادارے کو قائم کرنے کے لیے, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کام کرے گا, ایسی مجھے امید ہے. میں اپنی طرف سے آپ کے اس آندولن میں, اس پیسفل آندولن ہے جو پیسفل رہتا ہے, میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آندولن کیجیے. لوکتنتر میں یہ سب سے بڑا ادھیکار ہے, ڈیموکریسی میں, جمہوریت میں یہ سب سے بڑا ادھیکار ہے, سب سے بڑا حق ہے. آپ اپنے آندولن کو جاری رکھیے, پیسفل طریقے سے جاری رکھیے, انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کے ان ایشوز کو لے کر کے میں اے ایم یو کے ایڈمنسٹریشن سے بھی, ایجوکیشن منسٹری سے بھی, اور پارلیمنٹ سیشن جب چلے گا, اتفاق سے میں نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہیں دیا ہے, تو انشاءاللہ شاید آپ جیسے ہی لوگوں کی وجہ سے میرے کو لوگوں نے روکا کہ نہیں, وہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ جو ہے اس سدن میں کیوں ہیں, کیونکہ آپ کھٹکتے ہیں, کیونکہ آپ ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرتے ہیں, آپ ہر مسئلے میں بات کرتے ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں. لیکن میں اپنی لڑائی چھوڑی نہیں ہے, انشاءاللہ آنے والے سیشن میں آپ کی اس آواز کو بھی اگر موقع ملا تو پارلیمنٹ کے اندر اٹھانے کا کام کروں گا. آپ کے لیے جتنا ہو سکتا ہے وہ پوری کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. ہمیں
हम मीटिंग में जा रहे हैं, हमारे साथ ना इंसाफी की जा रही है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे डेली वेजर भाइयों को इंसाफ चाहिए, उनके लिए क्या नाम है, ये लोग परेशान कर रहे हैं। मनोज अलीगढ़ साहब बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या करूँ मैं तो।